राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े दो बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भलासवा इलाके का है, जहां कैश कलेक्शन का काम करने वाले गणेश नाम के युवक को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि गणेश के बैग में करीब 3.5 लाख रुपए थे, जिसे बदमाश लूट कर फरार हो गए। सर डॉलर, मैं अभी एयरटेल से पेमेंट उठाता हूँ, एयरटेल कंपनी में काम करता हूँ। तो मैं आ रहा था, पेमेंट थी मेरे बैग में, और दो लड़के आए अचानक ही, एकदम ही मेरी गर्दन पर गन लगा दी, मेरी बाइक की चाबी निकाली और बाइक का पहले तो टक्कर मारी ताकि मेरी बाइक गिर जाए, और उसके बाद मेरा बैग छीना, मैं भागा भी। फिर उधर ऑटो वाले थे, सभी ने देखा, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं बचाया। आप कहाँ थे? इस वारदात के बाद लोगों के दिल में एक खौफ सा बना हुआ है कि जिस तरह से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो वे लोग कैसे सुरक्षित हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली पुलिस ऐसी वारदातों को रोकने के लिए क्या पुख्ता कदम उठाती है। फिलहाल थाना भलासवा की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुटी है। दिल्ली से करुणा ठाकुर के साथ हाशमी की रिपोर्ट।